जय हिंद। हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में कक्षा 10 के फिजिक्स के टॉपिक यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति को पढ़ना प्रारंभ किया था। उसमें हमने चौथी स्थिति को पढ़ा था। आज हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के पांचवी स्थिति के बारे में बात करेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। जब वस्तु अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के सामने अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के सामने दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। जब वस्तु अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के सामने दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। ठीक है, हमने प्रतिबिंब की स्थिति को जान लिया, अब प्रतिबिंब की प्रकृति को जानेंगे। प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार
की अपेक्षा छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार की अपेक्षा छोटा होगा। तो हमने प्रतिबिंब की स्थिति को जान लिया, प्रतिबिंब की प्रकृति को जान लिया। अब प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को हम किरण आरेख के द्वारा भी इसे देख सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। क्या जो हम सैद्धांतिक रूप में उसकी स्थिति और प्रकृति के बारे में लिखे, क्या वो प्रायोगिक रूप में भी ऐसा ही है? तो हम प्रयोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन गणित या ज्यामिति की संरचना के द्वारा हम इन तथ्यों को विवरणित कर सकते हैं। तो हम अब चलते हैं, ग्राफ बनाएंगे। हमें एक अवतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो हम क्या किए, कांच के खोखले गोले के एक कटे हुए भाग को ले लिए, इसके उभरे सतह को व्यवस्थित कर दिए हमें परावर्तक सतह के रूप में धसा हुआ सतह प्राप्त हुआ। अब इस तरह हम लोगों को एक अवतल दर्पण प्राप्त हुआ। अब दर्पण के मध्य बिंदु पर हम जानते हैं ध्रुव होता है, इसे पोल कहते हैं, पी से सूचित कर देते हैं। अब इस पी से एक सरल रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, हम एक काल्पनिक रेखा सरल रूप में खींच लेते हैं। इस तरीके से हम दर्पण का एक प्रधान अक्ष बना लिए जो दर्पण के मध्य बिंदु पर स्थित है। अब हम क्या करेंगे, इस अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र को निरूपित कर लेंगे। फोकस को बड़ी F से सूचित कर देंगे और वक्रता केंद्र को C से सूचित कर देंगे। अब यह लाइन हमारा क्या है, अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या उसी को अंग्रेजी में हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें स्थिति दी गई थी कि वस्तु अवतल दर्पण के कहां स्थित है, वस्तु अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। हम जानते हैं कि दर्पण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के बाद की जितनी दूरियां हैं वो सभी अनंत कहलाती हैं। तो हम अब क्या कर रहे हैं, एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित की। अब प्रतिबिंब निर्माण के लिए हम जानते हैं कि दो किरण लेंगे, एक किरण अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर हम दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित कराएंगे। तो एक किरण हमने क्या किया, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर वस्तु से प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर एक किरण आपतित कराया। यह किरण परावर्तन के बाद अपने फोकस से यानी अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजर गई कि ये आपतित किरण वस्तु से एक आपतित किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर थी दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित हुई और परावर्तन के बाद उसके फोकस से होकर गुजर गई। अब प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें दूसरी किरण की भी आवश्यकता है, तो हम वस्तु से एक दूसरी किरण लिए जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरी। तो इस दूसरी किरण को हम दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरा और दर्पण की सतह पर परावर्तक सतह पर आपतित कराए। ये किरण आपतित हो रही है और ये आपतित किरण
परावर्तित होकर किधर जाएगी, कैसे जाएगी? हम जानते हैं कि जब किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरण उसके परावर्तक सतह पर आपतित तो होती है, तो वह किरण परावर्तक सतह पर क्या होती है? लंबवत होती है। और लंबवत प्रकाश किरणें परावर्तन के नियम में क्या करती है? जिस दिशा से आई हुई रहती है उसी दिशा में पुनः लौट जाती है। अब हम देखते हैं कि वस्तु से वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी। वस्तु ए बी से हमने दो प्रकाश की किरणें दर्पण के सतह पर आपतित कराया और दोनों किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को मान लिया जाए बी डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद की। इस तरीके से हम यहां पर क्या कर देते हैं? डिनोट कर देते हैं। यहां वस्तु का तीर चिन्ह ऊपर की ओर था और यहां वस्तु का तीर चिन्ह नीचे की ओर। कहे कि अभी देखिए ये दोनों आपतित किरणें एक बिंदु से होकर निकली थी और परावर्तित किरणें एक बिंदु पर जमा हुई, तो हम तीर चिन्ह के ऊपरी भाग से क्या लिए थे? दोनों किरणों को आते हुए देखे थे। तो जिस परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे पर मिलेंगी उस तरफ तीर चिन्ह। तो अब देखिए हमें वस्तु इस प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश दे दी। वस्तु ए बी था जो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित था और इससे हम प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो प्रकाश की किरणों को दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित कराया। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बी डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दी। अब हम इस प्रतिबिंब का नाम वस्तु के सापेक्ष में ए डैश बी डैश डाल दिए। अब हमें देखना है कि इस ग्राफ से हम प्रतिबिंब के निर्माण के निर्माण की प्रक्रिया को जान गए। अब हम क्या देखेंगे कि ये क्या है हमारा वस्तु और वस्तु अवतल दर्पण के कहां स्थित है? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और जब प्रतिबिंब निर्मित हुआ तो प्रतिबिंब कहां स्थित है? तो अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो हमने स्थिति को देख लिया कि जिस तरह से सैद्धांतिक रूप में हमने पढ़ा कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनती है। तो यह हमारा प्रतिबिंब। अब हम प्रतिबिंब के प्रकृति का विवरण करेंगे। अब देखिए कि अलग अलग प्रतिबिंब की प्रकृति है। प्रतिबिंब क्या है? दर्पण अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के आगे बना है, तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। एक प्रकृति क्या हो गया? प्रतिबिंब की एक प्रकृति कैसी है? वास्तविक। अब दूसरी प्रकृति के बारे में लिखेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कैसा है? वस्तु के सापेक्ष उल्टा। और तीसरी प्रकृति कैसी है? कि हम देख रहे हैं कि वस्तु का आकार बड़ा है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष छोटा है। वस्तु के सापेक्ष छोटा। तो इस तरह से हमने किरण आरेख के निर्माण के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति को भी जान लिया और प्रतिबिंब की प्रकृति को भी जान लिया। ये तीन प्रकृति हमने देखा कि प्रतिबिंब वास्तविक है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा है और प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु के सापेक्ष छोटा है। तो ये तीनों स्थिति ये तीनों प्रकृति प्रतिबिंब की है और हम इनकी स्थिति को वस्तु की स्थिति को भी देख लिए कि वस्तु हाँ जब हम किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है।
तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। जय हिंद।